हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन टेक पर। तो दोस्तों, यहां आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहां पे ओटीएस रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी 15 मार्च, उसे अब बढ़ा करके यहां आगे कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ हम बताने वाले हैं आपको, यहाँ अब जो है आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कितनी तारीख तक कर सकते हैं और अपनी यहाँ पूरी फीस कब तक जमा कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है UBPCL की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है, जिसको मैं आपको यहाँ आगे बताने वाला हूँ कि अब आपके जो है रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा करके कितनी यहाँ पे की गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ साथ पहली बार विजिट के तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक योजना से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर ये जो है टैग अब चला दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे योजना का लाभ उठाने का अंतिम अवसर पंजीकरण की अवधि बढ़ाकर की गई है 31 मार्च। तो दोस्तों, 31 मार्च तक अब आप अपना रजिस्ट्रेशन नोटिस के लिए करा सकते हैं। जिन लोगों को क्या होता था दोस्तों, कि बहुत से लोगों को यहाँ पे इसके बारे में जानकारी काफ़ी लेट प्राप्त होती, ऐसे में उन्हें पैसों की अरेंज करना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो जाता था। तो ऐसे में दोस्तों, वो लोग जो है काफ़ी कमेंट भी हमारे वीडियो पर ऐसे आए थे, जो लोग बोल रहे थे कि सर हमने तो अभी ये वीडियो देखा, अब क्या होगा। तो ऐसे में दोस्तों, अब यहाँ आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो आप अब अपना रजिस्ट्रेशन जो है 31 मार्च तक कर सकते हैं, और 31 मार्च तक ही आप अपना पूरा पेमेंट भी यहाँ पे जमा कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों, इसे एक महीने के लिए पूरा कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले 15 मार्च तक था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके दोनों जो है 31 मार्च तक कर दिया गया है। यानी कि पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप 15 मार्च तक करेंगे, और दूसरी किस्त आप जो है 31 मार्च तक पूरा आप अपना जमा करते थे, लेकिन यहाँ पे अब जो है रजिस्ट्रेशन और फीस अपना पूरा का पूरा आप यहाँ लास्ट महीने तक कर सकते हैं। क्या पुरजन के यहाँ देख सकते हैं, 31 जनवरी 2021 तक के विद्युत बिल में 100% सरचार्ज माफ़ी, यानी कि 31 जनवरी तक आपका जो है जितना भी ब्याज लगा था उसे माफ़ करने के बाद आपका जितना मूलधन बचता है दोस्तों, उसमें आपको अपने दो किस्त में ये जमा करना था। तो पंजीकरण है तो 31 जनवरी 2021 तक के बिल की मूल धनराशि का 30%, इसके उपरांत देयों का भुगतान आपको करना था। शेष धनराशि का भुगतान 31 मार्च 2021 तक एक मुश्त अथवा किस्तों में करना होगा। उसके बाद यहाँ देखेंगे योजना का लाभ उठाने के लिए UBPCL की वेबसाइट पर आप जाएंगे। तो अब जो है जारी नोटिफिकेशन जो जारी हुई है दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि 15 मार्च को ही ये, यानी कि कल ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया, देख सकते दिनांक 15 मार्च 2021, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे घरेलू LMB1 में घरेलू दोस्तों और निजी नलकूप के लिए LMB5 विद्युत दर श्रेणियों के बकायेदार विद्युत उपभोक्ता के लिए 100% चार्ज माफी योजना एकमुश्त समाधान योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि को निर्धारित करते हुए यहां पे इसके संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी की। यहां पे देख पाएंगे दोस्तों कि आप अवगत हैं कि कॉरपोरेशन के पत्रांक जो है यहाँ पे 2020 और 2021 दिनांक 28/2/2021 द्वारा LMB1 और LMB5 श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई थी। तदक्रम इस योजना में निर्धारित पंजीकरण की अंतिम तिथि 15/3/2021 को विस्तारित कर पंजीकरण की अंतिम तिथि 31/3 तक की जाती है। पंजीकृत उपभोक्ताओं को अवशेष धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि जो है 31/3/2021 थी, वह पूर्ण की भांति 31/3/2021 ही रहेगी। यानी कि जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि यहाँ की जो लोग पहले से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उनकी जो लास्ट डेट थी 31 तक दूसरी किस्त जमा करने की, उनका वहीं रखा गया है। लेकिन जो यहाँ पे ओटीएस के लिए रजिस्ट्रेशन की जो डेट रखी गई थी 15 तारीख, उसे अब बढ़ा करके 31 तारीख कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, अब यहाँ पे जितने भी लोग छोड़ गए थे, उन्हें अब यहाँ पे अपनी बिजली बिल बकाया राशि को जमा करने का सुनहरा अवसर है। सो यहाँ पे अब अपनी बिजली बिल का आप सरचार्ज 100% सरचार्ज माफ़ी करने के बाद आपका जो भी बिल बकाया है यहाँ पे बचता है, उसे जरूर जमा कर दें। तो आशा करूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, साथ चैनल पर पहली बार जुड़ के सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि हर एक जुड़ वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।